जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन सुपर हीरो मूवी क्रिस 3 का बिहाइंड द सीन देखने वाले हैं कि इसकी शूटिंग किस प्रकार से किया गया था और बाद में VFX की मदद से इसे किस तरीके का विजुअल दिया गया। इस सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किए हैं राकेश रोशन जी ने, जो कि ऋतिक रोशन सर के फादर हैं। क्रिस मूवी सीरीज में अभी तक कुल 3 फिल्में आई हैं। पहला मूवी कोई मिल गया जो 2003 में आई थी, दूसरा क्रिस जो 2006 में आई, और तीसरा क्रिस 3 जो 2013 में रिलीज हुई। इन तीनों मूवी को ऋतिक के पिता राकेश रोशन जी ने ही डायरेक्ट किए हैं। बात करें क्रिस 3 मूवी की तो इसका बजट 95 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों, इस मूवी को 2D में ही शूट किया गया था और बाद में से 3D में रिलीज करने का प्लान था, लेकिन फिल्म के डिले के कारण इसे 2D में ही रिलीज करने का फैसला किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी के बिहाइंड द सीन को देखते हैं। दोस्तों, ऋतिक सर ने इस मूवी में एक नहीं बल्कि 3 रोल प्ले किए हैं। एक कृष्णा मेहरा, दूसरा यानी क्रिस की जो सुपर हीरो हैं, और तीसरा कृष्णा के पिता की यानी रोहित मेहरा की, जो कि एक बड़े साइंटिस्ट होते हैं। बात करें दोस्तों इस मूवी के मेन विलन की तो वे विवेक ओबेरॉय हैं, जो इस मूवी में काल का रोल प्ले किए हैं। विवेक ओबेरॉय ने अपने भयानक और तूफानी अंदाज से इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। इनका एक एक डायलॉग बड़ा ही लाजवाब था। इस मूवी में आपने देखा होगा कि विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर बिल्कुल ही शांत स्वभाव वाला था, जिसका सर और एक फिंगर के अलावा पूरा बॉडी ही बेजान होता है, लेकिन काल के इम्प्रेशन और चेहरे को देखकर लगता है कि वे अपने अंदर एक बहुत ही बड़े तूफान लेकर बैठे हो। और जब काल गुस्सा करते हैं तो कुछ ऐसे ही सीन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस सीन में आप काल के महंगे लैब को देख सकते हैं, जहां वे रिसर्च करते हैं। इस सीन को ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया था, बाद में इसे VFX की मदद से एक शानदार लैब को बना दिया जाता है। काल के लैब को तो आप जानते ही थे कि वे एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरे सेनेरियो को कैसे VFX और कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से तैयार किया गया था। इस सीन में आप देख सकते हैं कि काल के वैज्ञानिक सब कैसे टेस्ट कर रहे हैं। आसपास आपको मानवर भी दिख रहा होगा। इस सीन को फिल्माने के लिए देख सकते हैं कि कितने सारे ग्रीन बैकग्राउंड का यूज किया गया था। दोस्तों, इस सीन के बारे में तो आपको पता ही होगा। जब काल फ्रॉग मैन को बनाते हैं और जब वे उड़ते हुए तितली को अपने लंबे जीभ से लपक कर खा जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से इसे डिजाइन किया गया था। यहाँ पर जो उड़ती हुई तितलियाँ दिख रही है, इसको भी CGI की मदद से ही बनाया गया था। दोस्तों, इस सीन में आप देख सकते हैं कि कंगना रनावत, जो कि इस मूवी में काया यानी एक मानवर का रोल प्ले की है, जिनके पास ऐसी शक्ति होती है जो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप कंगना रनावत को एक्शन वाली सीन की शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, क्रिस 3 मूवी में मानवर का मतलब होता है आधा मानव और आधा जानवर, जिसे काल के लैब में रिसर्च करके बनाया जाता है। दोस्तों, ये सीन तो आपको याद ही होगा जब कंगना रनावत काफी ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदती हैं और उतने ऊंचाई वाले जगह पर भी कितनी आसानी से चल लेती हैं। ये कंगना रनावत की इस मूवी में बेस्ट सीन में से एक था। देखिए दोस्तों, इस सीन की शूटिंग किस प्रकार से किया गया था। इस सीन को शूट करने के लिए ग्रीन पर्दे का उपयोग किया गया था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए इसे बाद में VFX और CGI की मदद से कितना बेहतरीन और चमकने वाली बिल्डिंग का रूप दे दिया जाता है।
फिल्म का एक सीन जो हमेशा से ही हमें चौंकाते आई है कि एक हीरो एक ही समय में दो जगह पर कैसे होता है। तो दोस्तों अगर आप यह जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले एक करेक्टर को ओरिजिनल जगह पर दूसरे करेक्टर के बॉडी डबल के साथ शूट किया जाता है, जैसा कि वह सीन होता है। दूसरी बार में ग्रीन स्क्रीन लगाकर दूसरे करेक्टर से उसी सीन की शूटिंग फिर से की जाती है। दूसरी बार में एक्टर को किस तरफ देखकर और क्या बोलना है डायरेक्टर उन्हें अच्छी तरीके से समझा देते हैं, या फिर पिछले कैरेक्टर के बॉडी डबल के साथ ही शूटिंग की जाती है। शूटिंग हो जाने के बाद एडिटिंग के समय दूसरे कैरेक्टर का बैकग्राउंड हटाकर उसे पहले कैरेक्टर वाले सीन में फिट कर दिया जाता है। ऐसा क्रिश 3 मूवी में कई बार किया गया है, क्योंकि इसमें ऋतिक सर को कृष्णा, क्रिश और रोहित मेहरा तीनों का रोल करना पड़ता था। दोस्तों इसी तरीके से कोई भी मूवी में डबल रोल वाली सीन की शूटिंग की जाती है। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि इसकी VFX एडिटिंग कैसी होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। डबल रोल वाली कोई भी अच्छी सी मूवी का बिहाइंड द सीन आपको जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। हाँ, तो इस सीन में आप देख सकते हैं कि शुरू में कृष्णा रोहित मेहरा के बॉडी डबल के साथ इस सीन की शूटिंग करते हैं। बाद में बॉडी डबल की जगह पर रोहित मेहरा को सेट कर दिया जाता है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो को पीछे करके जरा दोबारा देख लीजिए। अभी यहाँ पर गौर से देखिए कि कृष्णा के साथ जो व्यक्ति खड़े हैं वह रोहित मेहरा नहीं है, बल्कि उनके जैसा दिखने वाले कोई और शख्स हैं। और इस सीन में देखिए कि रोहित मेहरा के पीछे गाड़ी पर जो शख्स बैठे हैं वे कृष्णा नहीं हैं, बल्कि उनका बॉडी डबल हैं। बाद में उनको रिप्लेस करके वहाँ पर कृष्णा को सेट कर दिया जाता है। इस फिल्म में कई फेमस सॉन्ग हैं, जिनमें से एक हैं म्यूजिक दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। सॉरी दोस्त, मुझे गाना गाने नहीं आता। इस गाने की शूटिंग जॉर्डन के रेगिस्तान में किया गया था। जॉर्डन का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं। शूटिंग के दौरान वहाँ पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शूटिंग के बीच बीच में वहाँ पर धूल भरी हवाएं चलने लगती थी, जिस वजह से शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ता था। यह स्टॉर्म लगभग 10-10 मिनट के अंतराल में आती थी और लगभग 3 मिनट तक रुकती थी। आप इस सीन में पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वही धूल भरी हवाएं पीछे से गुजर रही है। दोस्तों शुरू का यह इंटरेस्टिंग सीन तो आपको याद ही होगा, जब कृष्णा इस मूवी में पहली बार क्रिश के रूप में आते हैं, क्योंकि एक एरोप्लेन का आगे वाला व्हील खराब हो जाता है। तब क्रिश उस एरोप्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए जाते हैं। इस सीन में आपने जितने भी बड़े बड़े और सुंदर चमकीले बिल्डिंग और आसमान में जो आपने बादलों को देखा है, सभी को CGI की मदद से ही बनाया गया था। यहाँ पर क्रिश के उड़ने वाले सीन को किस प्रकार से फिल्माया गया था अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीन में क्रिश के पीछे जो उड़ते हुए ड्रेस को दिखाया गया है उसको भी CGI की मदद से ही बनाया गया था। फिल्म में क्रिश जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग पर लंबी लंबी छलांगें लगाते हुए दिखते हैं, देखिए इसकी शूटिंग किस प्रकार से की गई थी। दोस्तों यहां तक कि इस सीन में दिखाया गया एरोप्लेन को भी CGI की मदद से ही बनाया गया था। ऋतिक रोशन सर को यहां पर आप एरोप्लेन की व्हील के साथ शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। क्रिश के जितने भी उड़ने वाला सीन आपने मूवी में देखा होगा, इसकी शूटिंग ब्लू और ग्रीन बैकग्राउंड पर हुआ था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे क्रिश को तारों के सहारे लटकाकर उड़ने वाले सीन की शूटिंग किया जा रहा है। दोस्तों यह सीन पूरे मूवी में बड़ा ही जबरदस्त था, जब क्रिश पूरे शहर में एंटीट्यूड फैलाकर इस तरीके से जाकर खड़े होते हैं। यहाँ पर क्रिश को सिनेमैटिक तरीके से दिखाया जाता है। देखिए इस सीन की शूटिंग किस प्रकार से किया गया था।
दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्रिस 3 मूवी को 10 में से कितना रेटिंग देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मूवी के क्लाइमेक्स की। दोस्तों यह सीन उस समय का है जब क्रिस काल के लैब में शीशा तोड़कर एंट्री लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन पर्दे के आगे ऋतिक सर को वायर के द्वारा लटका कर उड़ने वाले पोज में शूटिंग की जाती है। उसके बाद सीजीआई द्वारा बनाए गए इस सीन में ऋतिक सर को छोटा करके सेट कर दिया जाता है। दोस्तों काल के लैब में ही आप क्रिस और सारे मानवर के फाइट सीन को देखे होंगे। ये सारे काल के दरबारी होते हैं जिसे क्रिस हरा कर काल के पास अपनी बीवी प्रिया को बचाने के लिए जाता है। आप इसका बिहाइंड द सीन देख सकते हैं कि जितने भी एक्शन किए गए हैं वे मोटी बैरिकेड बिछाकर किए गए थे जिसको बाद में VFX और CGI से फ्लोर का रूप दे दिया जाता है। अगल बगल में जो सारी दीवार है जो निकली लैब जैसा लगता है इसके कुछ हिस्से को रियलिटी में ही तैयार किया गया था। ये सीन उस समय का है जब क्रिस पहली बार काल से मिलता है जहां काल क्रिस के पिता रोहित मेहरा को कैद करके रखा होता है। काल के चारों तरफ जो स्टील की ये चीजें उड़ती हुई दिख रही है सबको CGI की मदद से ही बनाया गया था। यहाँ पर काल क्रिस को अच्छे से धो देता है। यह सब सीन शूट करने से पहले इसका एक एनिमेटेड वीडियो तैयार किया गया था। इसी के आधार पर इस सीन का शूटिंग किया गया जिसे बाद में VFX और CGI की मदद से इस तरीके का फाइनल विजुअल दिया गया। दोस्तों यह इमोशनल सीन तो आपको याद ही होगा कि कैसे अपनी जान देकर रोहित मेहरा अपने बेटे क्रिस को दोबारा से जिंदा करते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि काल अपना वर्चस्व दिखाने और क्रिस मर गया है ये बताने के लिए जब वे शहर में आता है। तो देखिए इस सीन की शूटिंग किस प्रकार से किया गया था। काल यहाँ पर क्रिस के स्टेचू को तोड़कर शहर में पहुँचता है। यहाँ पर जो स्टेचू को दिखाया गया है इसको रियल में ही बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी के लास्ट वाला धमाकेदार और फास्ट फाइटिंग का बिहाइंड द सीन को देखते हैं कि इसकी शूटिंग किस प्रकार से किया गया था। इस सीन में देखिए जब क्रिस काल को बिल्डिंग के ऊपर मारते हैं तब काल बिल्डिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरता है और फिर एक बिल्डिंग में लड़ाई होता है। इस पूरे सीन को ग्रीन बैकग्राउंड में शूट किया गया है। एक सीन में टूटते हुए बिल्डिंग में कुछ आदमी दिखाई देता है। यहाँ पर दिखाए गए आदमी को ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट किया गया था जिसे बाद में बिल्डिंग में फिट कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर जो बिल्डिंग दिखाया गया है सभी को VFX और CGI की मदद से ही बनाया गया था। आप इस सीन में देखिए कि क्रिस और काल के फाइटिंग सीन को कैसे शूट किया गया था। दोनों को तार के सहारे एक्शन कराया गया था जिसे बाद में इस तरीके का खतरनाक विजुअल दे दिया जाता है। कोई यह सब सीन देखकर यह नहीं बोल सकता है कि इसकी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पर किया गया होगा। दोस्तों यह VFX और CGI का कमाल है। फिल्म में VFX और CGI कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेम्स कैमरून चाचा ने तो अवतार मूवी के पूरे सीरीज को VFX और CGI से ही कम्प्लीट करने का प्लान बनाए हैं जिसका दो पार्ट अवतार और अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है और दोनों ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगर दोस्तों आपने इन दोनों मूवी का बिहाइंड द सीन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। हाँ तो क्रिस 3 मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप एक एक एक्शन सीन को फील कर सकते हैं कि इन दोनों की यहाँ पर कितनी ज्यादा भयानक लड़ाई हुई है। यह सीन को देखिए जब दोनों लड़ते लड़ते ऊपर आसमान में पहुंच जाता है। देखिए इस सीन की शूटिंग किस प्रकार से तार से लटक कर की गई थी। यहाँ से एकाएक दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं जहाँ पर रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। यहाँ पर गड्ढे को भी CGI की मदद से ही बनाया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे इंडी स्क्रीन में आई गई वीडियो काफी लोग देख रहे हैं, आप भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।